राधे कृष्णा फ्रेंड्स। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और बच्चे सो रहे हैं और मैं बना रही हूँ अभी पोहा। चाय मैंने रख दी है तो बस पोहे की तैयारी कर लेती हूँ मैं। तो मैं चाय को इस साइड रख दूंगी और यहाँ पर कढ़ाई रख दूंगी, और कढ़ाई मध्यम आंच पे रखी है मैंने। तो जब तक कढ़ाई गर्म होती है, जब तक मैं प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ। और पोहा मैंने पहले ही धोकर रख दिया है ताकि नरम हो जाए पोहा। और वैसे मैंने आपसे पोहे की रेसिपी पहले शेयर की हुई है, लेकिन आज मैं आपसे पूरी रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पर हरी मिर्च और प्याज मैंने काट लिया है, और ये जो पोहा है इसमें मैं हल्दी, नमक और थोड़ी शक्कर डालकर मिलाकर रख दूँगी। और तेल भी अब मैं इसमें डाल दूंगी कढ़ाई में, क्योंकि कढ़ाई भी गर्म हो गई है। तो बस अब मैं इसमें शक्कर भी डाल देती हूँ पोहे में, और बस इसको मिलाकर अलग रख देंगे। और अब ये जो प्याज और हरी मिर्च है ये इसमें तेल में डाल दूंगी। तो प्याज और हरी मिर्च पक गई है, अब इसमें मैंने पोहा डाल दिया है और अच्छे से मिलाकर इसे थोड़ी देर ढक के रख दिया है। तो ढकने से पोहा अच्छा नरम हो जाता है। तो जो प्याज और हरी मिर्च का कचरा था उसे मैंने साफ़ कर दिया है, और यहाँ पर मैं पीहू के पापा को चाय और नाश्ता दे दूँगी पहले। तो उन्हें पोहे में जीरा मन बहुत पसंद है, मैंने इसमें जीरा मन डाला है, सेव और ऊपर से प्याज डाल दिए हैं, तो उनको अच्छा लगता है इस तरीके से पोहा। तो बस यहाँ पर मैं उनका नाश्ता उन्हें दे दूँगी, और अब अपने लिए और बेटे के लिए भी निकाल लूँगी, क्योंकि पीहू तो अभी सो रही है। तो बस अब हमें भी नाश्ता कर लेती हूँ। तो सबको मैंने नाश्ता दे दिया है और मैं भी अब यहाँ पर चाय नाश्ता कर लूँगी। तो आज संडे है और आज दिन भर मेरा काम में ही लगा रहेगा, और आज पता नहीं मन बहुत उदास है। आज मेरे को है ना मेरी मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। बस एक धुन थी जिसमें मैं बस उस धुन के हिसाब से काम करे जा रही थी, और उन्हें याद कर रही थी, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, और मतलब कभी कभी उनकी कमी बहुत खलती है मुझे। क्योंकि जब मम्मी पापा थे तो बच्चों की जब भी स्कूल लग की छुट्टियां लगती थी तो मैं बस यही सोचती थी कब छुट्टी लगेगी और कब मैं अपने घर जाऊंगी। लेकिन अब से मेरा ये सब रूटीन पूरा ख़त्म हो गया है, मेरे को मायके जाने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि माँ बाप होते हैं जब भी मायका होता है, बाकी तो किसी को कोई नहीं, कौन किसकी परवाह करता है, कि सब अपने में लगे हुए रहते हैं। वैसे तो मेरी दीदी है, भाई है, सब है, और मुझे फ़ोन भी लगा लेते हैं, लेकिन जो माँ बाप की कमी होती है ना वो कोई भी पूरी नहीं कर सकता है। तो बस उन्हीं की दिन भर याद आ रही थी, और मेरा रोने का भी बहुत मन कर रहा था, लेकिन बस काम में दिन भर हो गया, और काम करते करते फिर जब शाम हुई ना तो मैं फिर मेरा मन इतना भर गया था कि मैं मतलब रो ली जब भी मेरा मन हल्का हुआ। जब हमारे माँ बाप होते हैं तो हम बस हम अपने में लगे रहते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो जब हमें उनकी कमी महसूस होती है कि वो हमारे लिए क्या थे, बस वही कमी महसूस होती है। क्योंकि मुझे कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला, एक माँ बाप थे बस उन्हीं का सपोर्ट था, और भाई बहन है ठीक है, लेकिन बस एक मेरे हस्बैंड है जो मुझे मेरी मतलब मुझे एहसास नहीं होने देते कि मैं अकेली हूँ। लेकिन जो माँ बाप की जगह है वो तो कभी कोई नहीं ले सकता। तो बस फ्रेंड, मैं यहीं पर अपना वीडियो एंड करती हूँ, और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलती हूँ। जब तक के लिए नमस्कार फ्रेंड्स।